अगर हम एक स्टेटमेंट को दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं तो इसको हम nested if statement बोलते हैं। सी में हम एक if statement के अंदर दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन द कंपाइलर स्किप द इनर इफ स्टेटमेंट अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं मींस एक आपका आउटर इफ स्टेटमेंट होता है और दूसरा आपका इनर इफ स्टेटमेंट होता है अब अगर आपका आउटर इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो आपका इनर इफ स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा या एग्जीक्यूट नहीं होगा दूसरे शब्दों में हम कहें वी कैन से इफ आउटर इफ स्टेटमेंट इज फाउंड ट्रू

अगर हम एक इफ स्टेटमेंट को दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर प्लेस कर रहे हैं मीन हम कंडीशन के अंदर कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ इन सी इज हेल्पफुल इफ यू वॉन्ट टू चेक द कंडीशन इनसाइड एन एन उदर कंडीशन इसका उपयोग कहां किया जाता है जहां हम एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक करना चाहते हैं सी लैंग्वेज में वहां पर हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं आप यहां पर फ्लो डायग्राम देख रहे हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का और ये आप सिंटैक्स देख रहे हैं तो इसको समझते हैं कि भाई यहां पर हमने तीन इफ कंडीशंस चेक की है फर्स्ट कंडीशन वन और कंडीशन वन के अंदर हम सपोज कंडीशन टू टेस्ट कर रहे हैं और कंडीशन टू के अंदर हम सपोज कंडीशन थ्री टेस्ट कर रहे हैं अब यहां पर क्या होगा अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट है जैसा कि आप फ्लो डायग्राम में देख सकते हैं अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट ट्रू है उसी केस में कंडीशन सेकंड टेस्ट की जाएगी अगर आपकी कंडीशन सेकंड ट्रूथ है तो उसी केस में आपकी कंडीशन थर्ड टेस्ट की जाएगी अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट फॉल्स है तो आप लूप से बाहर हो जाएंगे ना तो आपकी कंडीशन सेकंड टेस्ट की जाएगी ना ही आपकी कंडीशन थर्ड टेस्ट की जाएगी इसी तरह से सपोज आपकी कंडीशन कंडीशन फर्स्ट है आप सेकंड को टेस्ट करेंगे लेकिन अगर आपकी सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे और कंडीशन थ्री टेस्ट नहीं की जाएगी यहां पर सिंटेक्स में देखें इफ टेस्ट कंडीशन वन हम टेस्ट

या इनर इफ कंडीशन है वह सिर्फ उसी कंडीशन में टेस्ट की जाएगी जबकि आउटर इफ कंडीशन आपकी ट्रुथ हो अगर आपकी आउटर इफ कंडीशन ट्रुथ नहीं है तो आपकी इनर कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी सबसे पहले पहला प्रोग्राम देखते हैं हम सो दिस प्रोग्राम विल फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग थ्री इंटीजर नंबर्स। जो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हम आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट समझाने वाले हैं यहाँ पे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्या है सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये है कि आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना सीखें कि कहां पर हमें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करना है अब यहाँ पर किस प्रोग्राम की मदद से हम ये समझेंगे कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहाँ यूज करना है तो आपका जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है हमारे पास कोई थ्री नंबर्स हैं और इन तीन नंबर में से इन थ्री नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या है वह हमें फाइंड आउट करना है तो देखते हैं इस प्रोग्राम को प्रोग्राम किस तरीके से रन करेगा फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पे हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया हुआ है इसके बाद इंटीजर मैन यहां से आपका मैन सी का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और कर्ली ड्रेसिस के अंदर सबसे पहला कमांड है इंटीजर नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री Means, हमने तीन इंटीजर, आ, टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं फर्स्ट वेरिएबल आपका है 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 आपका number two, और third variable आपका और इसके बाद printf कमांड के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम विल फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग थ्री इंटीजर नंबर इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है या ये प्रोग्राम क्या परफॉर्म करेगा जो भी यूजर तीन नंबर इंटर करेगा या इंसर्ट करेगा उसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है यह फाइंड करेगा फिर से हमने प्रिंट एफ कमांड लिया है प्लीज फर्स्ट इंटीजर नंबर आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा आप पहला नंबर इंटर करें नौ फिर आपका स्कैन एफ कमांड स्कैन एफ कमांड के बाद हमने परसेंटेज डी लिखा है परसेंटेज डी क्या है दिस इज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर टाइप वेरिएबल। अगर आप इंटीजर टाइप वेरिएबल में कोई भी नंबर इंसर्ट कराना चाहते हैं, इन कराना चाहते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको क्या लिखना है, अब से मतलब क्या है आपका? आप डेमल नंबर इंटर, 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 इंटर नहीं करा सकते आप सपोज टू पॉइंट थ्री फोर इंटर कराएंगे तो टू पॉइंट थ्री फोर इंटर नहीं होगा फिर आपकी स्क्रीन पर क्या आएगा प्रिंट

लार्जेस्ट नंबर हो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है नंबर टू लार्जेस्ट नंबर हो और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है आपका नंबर थ्री लार्जेस्ट नंबर हो इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है चौथी तीन पॉसिबिलिटीज हैं पहली पॉसिबिलिटी क्या है सपोज आपका नंबर वन लार्जेस्ट नंबर है सेकेंड पॉसिबिलिटी है आपका सपोज नंबर टू लार्जेस्ट नंबर है और थर्ड पॉसिबिलिटी है आपकी सपोज नंबर थ्री लार्जेस्ट नंबर है तो हमें मान के चलते हैं कि सपोज नंबर वन इज द लार्जेस्ट नंबर हमने माना कि सपोज नंबर वन आपका लार्जेस्ट नंबर है तो हम कैसे चेक करेंगे इफ नंबर 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 इज ग्रेटर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू अगर आपका number one, number two से greater है तो आप क्या करें फिर एक कंडीशन चेक कीजिए नंबर वन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू नंबर थ्री अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं पहली कंडीशन क्या है नंबर वन नंबर टू से ग्रेटर है एक कंडीशन आपकी हो गई फिर आप कंडीशन के अंदर एक दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि नंबर वन आपका नंबर थ्री से ग्रेटर है कि नहीं अगर दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती हैं तो आप स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले कर देंगे नंबर नंबर इज द लार्जेस्ट क्लियर भाई नंबर वन लार्जेस्ट नंबर कब होगा जब नंबर वन नंबर टू से भी ज्यादा होगा और नंबर थ्री से भी ज्यादा होगा तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या टेस्ट करेंगे वेदर नंबर वन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर टू और नॉट सेकेंड कंडीशन हम क्या टेस्ट करेंगे नंबर नंबर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू और नॉट अगर दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होंगी तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा नंबर थ्री इज द लार्जेस्ट नंबर क्लियर इसी प्रकार से नंबर टू के लिए हम कंडीशन चेक करेंगे और इसी प्रकार से नंबर थ्री के लिए कंडीशन चेक करेंगे फिर स्क्रीन पे हमने क्या किया इफ नंबर टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर वन और नॉट पहली कंडीशन हम क्या टेस्ट करेंगे नंबर टू नंबर वन से ग्रेटर है या नहीं अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है ये कंडीशन ट्रुथ है तभी उसी केस में हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे इफ नंबर टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर थ्री और नॉट पहली कंडीशन हमने क्या चेक की वेदर नंबर टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर वन और नॉट अगर ये कंडीशन आपकी सही है तो कंडीशन के अंदर हम एक दूसरी कंडीशन चेक करेंगे वेदर नंबर टू इज ग्रेटर इक्वल टू नंबर थ्री और नॉट अगर ये कंडीशन भी सही है तब हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे नंबर टू इज द लार्जेस्ट नंबर और जो आपके नंबर की वैल्यू है वो नंबर आपकी डिस्प्ले हो जाएगी अब थर्ड पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं कि सपोज नंबर थ्री इज द लार्जेस्ट नंबर अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है सपोज नंबर थ्री आपका लार्जेस्ट नंबर है तो इस केस में फिर दो कंडीशन हमें चेक करनी है पहली कंडीशन हम चेक करेंगे वेदर नंबर थ्री इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू नंबर टू और नॉट आपका नंबर थ्री नंबर टू से ग्रेटर है या इक्वल है या है या नहीं अगर नंबर थ्री ग्रेटर है नंबर टू से इसके बाद ही हम एक दूसरी कंडीशन चेक करेंगे वेदर नंबर थ्री इज ग्रेटर देन नंबर वन और नॉट तो पहली कंडीशन हमने चेक की कि नंबर थ्री नंबर टू से ग्रेटर है या नहीं अगर ग्रेटर है फिर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे नंबर नंबर से ग्रेटर है या नहीं अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे परसेंटेज डी इज द लार्जेस्ट नंबर और फिर कॉमा लगा के हम लिखेंगे नंबर थ्री मीन्स नंबर थ्री इज द लार्जेस्ट नंबर और नंबर थ्री की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और इसके बाद रिटर्न जीरो मीन्स आपका प्रोग्राम समाप्त हो गया इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइलर में रन करेंगे कोई भी थ्री नंबर आप इंटर कराएंगे, तो उसमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा अंदर कंडीशंस कैसे चेक कर सकते हैं अगर पहली कंडीशन ट्रुथ होगी तभी आपकी सेकंड कंडीशन टेस्टेड होगी अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो फिर सेकंड कंडीशन टेस्ट नहीं होगी एक दूसरा प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का भी उद्देश्य क्या है कि आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करना सीख लें अब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया हुआ है एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें यूजर को यूजर नेम एंटर कराना है सबसे पहले अगर यूजर आपका सही यूजर नेम एंटर कराता है तो फिर हम यूजर से बोलेंगे आप पासवर्ड इंटर कराइए और अगर यूजर ने सही पासवर्ड इंटर कराया है तभी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड मैचेज अदरवाइज स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा और आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे तो देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से रन होगा फर्स्ट स्टेटमेंट है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मीन्स हमने आपकी स्टूडियो डॉट एच फाइल को लिंक किया हुआ है प्रोग्राम के साथ नाउ सेकंड स्टेटमेंट इंटीजर मैन यहां से आपका सी प्रोग्राम स्टार्ट होता है करली ब्रैकेट स्टार्ट इंटीजर यूजर नेम एंड इंटीजर पासवर्ड यहां पे हमने दो इंटीजर नाम के वेरिएबल डिफाइन किए हैं फर्स्ट uh, आपका वेरिएबल है यूजर नेम और सेकंड आपका वेरिएबल है पासवर्ड मींस यूजर नेम जो आप इंटर कराएंगे वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और पासवर्ड भी क्या होनी चाहिए इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए नाउ सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज टू लर्न द यूज ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि आपका जो यूजर है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का उपयोग करना सीखे सेकेंड लाइन uh, क्या डिस्प्ले होगी स्क्रीन पर इन दिस प्रोग्राम फर्स्ट यूजर हैव टू इंट्रोड यूजर नेम इफ यूजर नेम मैचेज विद स्टोर्ड वैल्यू देन ओनली यूजर कैन इंटर द पासवर्ड आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि यूजर को इस प्रोग्राम में सबसे पहले यूजर नेम इंटर कराना होगा अगर यूजर नेम मैच कर जाता है तभी यूजर से बोला जाएगा कि आप पासवर्ड इंटर करिए और अगर पासवर्ड भी मैच कर जाता है तो व्हेन यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ मैचेस देन ओनली नेम ऑफ यूजर विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन अब अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच कर जाएंगे तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा यूजर uh, का नेम भी डिस्प्ले होगा और एक वेलकम मैसेज डिस्प्ले होगा तो कमांड यहां से देखिए आप प्रिंट एफ इंटर यूजर नेम स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि आप यूजर नेम को इंटर करें नाउ विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ कमांड स्कैन परसेंटेज डी कोमा एम परसेंटेज यूजर नेम यूजर जो भी यूजर नेम इंटर कराएगा वो कहा जाके स्टोर हो जाएगा आपके यूजर नेम वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा इफ यूजर नेम इक्वल्स टू टेन अब कंडीशन हमने चेक की इफ यू नेम इक्वल्स टू टेन अगर यू नेम टेन की इक्वल है तो इसके बाद स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा इंटर पासवर्ड अगर यूजर नेम टेन इंटर कराता है यूजर तो तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होगा पासवर्ड और अगर यूजर नेम कुछ और इंटर कराता है तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा थैंक्स आप लूप से बाहर हो जाएंगे तो पहली कंडीशन क्या है यू नेम इक्वल्स टू टेन और नॉट अगर यूजर नेम ने जो यूजर नेम एंटर कराया है वो टेन के इक्वल है फिर यूजर से क्या पूछा जाएगा इंटर पासवर्ड कि आप पासवर्ड को इंटर करें और जो भी यूजर पासवर्ड इंटर करेगा वो कहां स्टोर किया जाएगा एक पासवर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा फिर हमने सेकंड कंडीशन अप्लाई की इक्वल है तब स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा प्रिंट एफ यूजर नेम एंड पासवर्ड मैचेज अब स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या हो गए है? मैच कर गए हैं फिर स्क्रीन पे एक मैसेज और डिस्प्ले होगा यू आर वेलकम मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स आपका स्वागत है अगर ये दोनों कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन ही अगर मैच नहीं होती तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे अगर फर्स्ट कंडीशन मैच होती है मींस यूजर यूजर नेम की जगह टेन इन करता है लेकिन पासवर्ड मैच नहीं होगा तो भी स्क्रीन पर ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा मींस जो आपका मैसेज है यू आर वेलकम मिस्टर एक्स स्क्रीन पर कब डिस्प्ले होगा जब यूजर नेम भी मैच करेगा और पासवर्ड भी मैच करेगा सबसे पहले हम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे कि यूजर नेम टेन के इक्वल है या नहीं अगर यूजर नेम टेन के इक्वल है तभी आपको पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाएगा अदरवाइज पासवर्ड इंटर करने के लिए आपको नहीं बोला जाएगा इज दैट क्लियर एक तीसरा प्रोग्राम देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या किया हुआ है हम तीन कंडीशन एक साथ चेक कर रहे हैं

आप यूजर है दो चीजें एंटर करेगा एक तो यूजर नेम एंटर करेगा दूसरा पासवर्ड इंटर करेगा जो भी यूजर तो उसे हंड्रेड इंटर करना होगा अगर यूजर नेम 20 यूजर नेम एंटर करता है तो पासवर्ड 200 हंड्रेड इंटर करना पड़ेगा और अगर यूजर नेम ने यूजर नेम की वैल्यू 30 इंटर की है तो उसे पासवर्ड 300 हंड्रेड इंटर करना होगा तभी आपका प्रोग्राम रन होगा अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा तो इस प्रोग्राम को भी आप कॉपी करके सी के कंपाइलर पे अगर रन करेंगे तो यहाँ पर तीन मैसेज डिस्प्ले हो सकते हैं यू आर वेलकम मिस्टर एक्स यू आर वेलकम मिस्टर वाई एंड यू आर वेलकम मिस्टर जेड अगर आपने यूजर नेम टेन इंटर किया और पासवर्ड हंड्रेड इंटर किया स्क्रीन पे मैसेज आएगा यू आर वेलकम मिस्टर एक्स अगर आपने आ, यूजर नेम की जगह ट्वेंटी इंटर किया और पासवर्ड की जगह टू हंड्रेड एंटर किया स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा यू आर वेलकम मिस्टर बाई और अगर आपने यूजर नेम की जगह थर्टी एंटर किया और पासवर्ड की जगह थ्री हंड्रेड एंटर किया तो डिस्प्ले होगा यू आर वेलकम मिस्टर जैक तो इस प्रोग्राम में भी आप कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक कर रहे हैं तो जब भी आप यूजर नेम और पासवर्ड से रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको दो कंडीशन मैच करानी पड़ेगी फर्स्ट आपको यूजर नेम मैच कराना पड़ेगा अगर आपका यूजर नेम मैच करता है तभी आपसे पूछा जाएगा आपका पासवर्ड क्या है और इसके बाद आपको पासवर्ड मैच कराना होगा तभी वेलकम मैसेज डिस्प्ले होगा अदरवाइज वेलकम मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा अब बात आती है असाइनमेंट्स की तो जो यहां पर असाइनमेंट्स दिया जा रहा है आपको इस ईमेल एड्रेस पर सेंड करना है नाउ असाइनमेंट क्वेश्चन क्या है व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन आपको एक प्लान पेपर में इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर ईमेल एड्रेस विष्णु नारायण डॉट सक्सेना एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर सेंड करना है नो थैंक यू थैंक यू सो मच